प्रदेश के प्रमुख क्लबों में शुमार जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब के चुनाव 9 नवंबर को होंगे। कई ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरों और राजनेताओं की सदस्यता वाले इस क्लब में शिरीष सचेती और योगेंद्र सिंह ग्रुप में आमने सामने का मुकाबला है। विधानसभा में मामला उठने के बाद गोल्फ क्लब की छवि पर असर पड़ा था। अब यही इस चुनाव का मुद्दा बनता जा रहा है। 2000 से अधिक मतदाता कार्यकारिणी का फैसला करेंगे। गोल्फ क्लब के चुनाव पर स्पेशल रिपोर्ट देखिएगा। ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसर, राजनेता और बड़े बिजनेसमैन के कारण चर्चा में रहने वाले प्रदेश के प्रमुख क्लब रामबाग गोल्फ क्लब में इन दिनों चुनावी चौसर बिछी हुई है। जयपुर के इस बड़े क्लब के चुनाव 9 नवंबर को होंगे। प्रमुख मुकाबला कैप्टन पद पर है, जहां मौजूदा कैप्टन शिरीष सचेती के सामने योगेंद्र सिंह शेखावत डटे हैं। इन दोनों ग्रुप ने ही अपनी टीम मुकाबले में उतारी है। रामबाग गोल्फ क्लब में चुनाव 9 नवंबर को होंगे। क्लब के द्विवार्षिक चुनाव, शिरीष सचेती और योगेंद्र सिंह ग्रुप में मुकाबला। कैप्टन पद के लिए शिरीष और योगेंद्र आमने सामने। सचिव पद के लिए समृद्ध शर्मा और हेम सिंह भाग्य आजमा रहे हैं। समृद्ध शर्मा योगी ग्रुप से हैं तो हेम सिंह है शिरीष ग्रुप से। कोषाध्यक्ष पद के लिए संजीव चौधरी, गिरिराज अग्रवाल मैदान में। शिरीष ग्रुप से हैं संजीव चौधरी, योगी ग्रुप से गिरिराज अग्रवाल लड़ रहे हैं। संयुक्त सचिव के दो पदों के लिए डॉक्टर अजयवीर खुराना, नवरत्न राठौर शिरीष ग्रुप की ओर से मैदान में हैं। योगी ग्रुप से योगेश बंसल और डोली शेरगिल चुनाव लड़ रहे हैं। 6 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के लिए भी कई सदस्य चुनाव मैदान में। 6-6 दावेदार दोनों ग्रुप से हैं मैदान में। 2 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी नामांकन भरा। 9 नवंबर को सुबह 9 बजे होगी गोल्फ क्लब की AGM। 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, फिर मतगणना। रामबाग गोल्फ क्लब चुनाव में 2064 मतदाता करेंगे मतदान। फीस जमा नहीं कराने के कारण 100 से अधिक सदस्य नहीं डाल पाएंगे वोट। 9 नवंबर को ही देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित होगा। गोल्फ क्लब के चुनाव के लिए दोनों ही ग्रुप्स ने प्रभावशाली कैंपेनिंग शुरू कर रखी है। शिरीष सचेती ग्रुप मौजूदा कार्यकाल के कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। कैप्टन पद पर भाग्य आजमा रहे शिरीष सचेती का कहना है कि कुछ अधूरे काम बाकी हैं, जिनको अभी पूरा करना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता गोल्फ क्लब और खेल को बचाए रखना है। हमारा क्लब जो है राजस्थान में ऑलमोस्ट क्या, मैं तो यही कहूँगा कि इट्स लाइक टॉप नंबर वन क्लब इन राजस्थान, ऑल ऑफ राजस्थान। एंड हमारी इच्छा है कि इसको नंबर वन इन इंडिया बनाने की, एंड वाई नॉट इंटरनेशनल ऑल्सो। इट शुड बी द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। दिस इज आर इंटेंशन। लगे हुए हैं उस चीज़ के पीछे। टीम बहुत अच्छी है मेरी, और हमारे 7 ग्रीन्स रह गए हैं अभी, जो कि हमारे को उनको अपग्रेड करना है। वो इस बार हमारा पूरा मन है कि उनको भी अपग्रेड करें, थोड़ा सा लेआउट सही करें इसका, सो दैट एवरीबॉडी गेट्स अ गुड चांस टू प्ले एंड बिकम्स अ ब्यूटीफुल कोर्स। दूसरी तरफ योगेंद्र सिंह शेखावत ग्रुप ने क्लब की साख को इस चुनाव का मुद्दा बनाया है। योगेंद्र सिंह का कहना है कि विधानसभा में मामला उठने के बाद क्लब की साख पर असर पड़ा है। हम चाहते हैं कि क्लब विवादों में नहीं रहे, यहाँ सिर्फ गोल्फ की बात हो। हमारा प्राइमरी इशू है साहब कि पिछले कुछ दिनों से गोल्फ क्लब की छवि थोड़ी धूमिल हुई है। क्वेश्चन उठे हैं विधानसभा में भी, प्लस काफ़ी पेपरबाजी भी हुई है। तो सबसे पहले तो उसको रिजॉल्व करना है, ताकि लोकबागों में जो ये कुछ हल्का सा नेगेटिविटी आई है उसको एक तो पॉजिटिव करना है। इसके अलावा बेसिकली गोल्फ के प्रति जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, कोर्स के ऊपर जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, अभी कुछ ग्रीन्स बने हैं, कुछ ग्रीन्स और बनने हैं, उनको कंप्लीट करवाना है। सचिव पद के लिए समृद्ध शर्मा और हेम सिंह में सीधा मुकाबला है। हेम सिंह पहले सचिव का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि समृद्ध शर्मा इस बार पूरी ताकत लगाए हुए हैं। समृद्ध के पिता कमलाकर शर्मा क्लब के कैप्टन रह चुके हैं। समृद्ध ने कहा कि हमारे लिए क्लब की पारदर्शिता प्राथमिकता है। हम लोगों की प्रायोरिटी सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर के रहेगी, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी मेंबरशिप को लेकर के हो, चाहे क्लब के फंड्स को लेकर के हो, किस तरह से आपको फ़ंड यूटिलाइजेशन करना चाहिए। क्लब का एक अच्छा बड़ा कॉर्पस क्लब के पास फ़ंड का है, उसका सही यूटिलाइजेशन हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो,
ये हमारे मेन मुद्दे हैं। गोल्फ कोर्स जो है उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके, उसका मुद्दा है, रेस्टोरेंट है और बाकी जो जगह हैं वो भी एक अच्छे से डेवलप हो और सही तरीके से हो। श्री सचेती और योगेंद्र सिंह ग्रुप दोनों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अलग अलग बैठकें की जा रही हैं और पार्टियां भी जोर शोर से आयोजित हो रही हैं। कैंप कार्यालय खुल चुके हैं जहां से दिन रात उम्मीदवार वोटर्स के संपर्क में हैं। कई राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स पर्दे के पीछे से चुनाव में पूरी तरह सक्रिय हैं। गोल्फ क्लब में सदस्यों की सुविधाओं के लिए तो लगातार काम होते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल साख का है। इसका कारण है कि विधानसभा में गोल्फ क्लब की एसओजी से जांच कराने की भी बात हो चुकी है। जयपुर का प्रतिष्ठित रामबाग गोल्फ क्लब का चुनाव काफी रोचक है, क्योंकि यहां पर जो मेंबर है उनमें ब्यूरोक्रेट्स की संख्या सबसे ज्यादा है। राजनेता भी मेंबर है, लेकिन देखना यह होगा कि कैप्टन कौन बनता है। पिछले कुछ समय से गोल्फ क्लब की साख पे कुछ सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में अब जो नई कार्यकारिणी बनेगी उनके सामने पहली चुनौती यही होगी कि गोल्फ क्लब की साख को बचाए रखा जाए और जो यहाँ इमेज उनकी खराब हुई है उसको फिर से सुधारा जाए। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।